साफ साफ बोलती हूँ कि कटारिया से अरमान की फटती है, क्योंकि बाहर उसके सपोर्टर्स हैं और रहने भी चाहिए सपोर्टर्स। तुम जैसे इंसान अगर हो ना अंदर घर के, तो बाहर सपोर्टर्स एल्विश की आर्मी होनी चाहिए। बड़ी थप्पड़ मारने वाला जो सीन है गाइस, ये चीज ऐसे तो नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला। और ये हरकत जो अरमान ने की है, वो अरमान को आज नहीं तो कल पता चलेगा उसका क्या करना है। और हमने बाकायदा अरमान मलिक से इन पब्लिक माफी चाहिए विशाल के yes. लिए। भाभी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैंने इस पे तुरंत नहीं बोला था कि मैं वो गलत वे में मैं भाभी नहीं बहुत अच्छी लगती है मुझे। सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था, भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। तो विशाल के पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं, विशाल के पापा मम्मी भाई बहन दोस्त रिश्तेदार अगर आप देख रहे हैं, तो विशाल वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग इन That particular thing. क्या बोला था तेरे कान में, कुछ इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। फिलहाल विशाल के घर पे हम लोग आए हुए थे और अभी हम लोग देख रहे थे ये वाला आज का एपिसोड। पहली बात तो अनिल कपूर जी जो भी हैं, उनको पहले तो हटाओ, पहले निकालो, क्योंकि डे वन से देख रहा हूँ जब भी वो वीकेंड का बार हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विशाल और उन लोगों को टारगेट किए जा रहे हैं जबरदस्ती के। जबरदस्त मैटर कुछ भी नहीं है, मगर उन लोगों को जबरदस्ती पोक करना है विशाल को। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है क्यों उन लोगों का कुछ टेक है उस पे, या उसको जबरदस्ती नीचे दिखाना चाहते हैं उन लोग, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। बट हम लोग जब से नोटिस कर रहे हैं कि जबरदस्ती विशाल को टारगेट कर रहे हैं। अभी इसमें चीज ऐसी है कि बात पूरे एपिसोड में बदतमीजी ये सब चल रही है, और अनिल कपूर खुद कैसे बात कर रहा है भाई, मतलब चिल्ला रहा है ये क्या भाई। सलमान खान बनने की कोशिश चल रही है उनकी, सलमान खान बनना चाहते हैं जो भी है, बट फालतू में टारगेट किया जा रहा है। देखा आज का एपिसोड, उसकी शक्ल से दिख रहा था कि फालतू में कुछ किया नहीं, और वो जाने दो उसको छोड़ो। अब दूसरी बात रही ये जो अरमान मलिक की बीवी की बात हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें सीन ऐसा है कि विशाल ने क्लियरली कटारिया के कान में बोला था कि भाभी सुंदर लगते हैं, भाभी सुंदर लगते हैं, भाभी मुझे पसंद है, ऐसा नहीं बोला करना है, भाभी सुंदर लगती। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। वो दूसरों की बात में आके विशाल ने शायद एग्री कर लिया, क्योंकि उसको लगा पायल भाभी बाहर से है। पैनिक था वो बहुत पैनिक था। और ये चीज बिग बॉस को माननी पड़ेगी कि जो अरमान और जो सब कर रहे हैं वो बहुत गलत है, खाली उसको टारगेट किया जा रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग। और वो किसी घर का बेटा है, मैं मॉम डैड पे क्या बीती, जैसे उसने बोला उसको फर्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी सोचे, पर मैं मॉम डैड पे क्या गुजरेगी। वो किसी की बीवी है, उनका बच्चा है, वो ठीक है, आई एग्री, पर वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बेटा है जो यहाँ से देख रहा हो, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अरमान मलिक ने ये सोचा है कि उसका कोई आगे पीछे नहीं है, तो अरमान मलिक का बहुत गलत हो। और आपकी जो वाइफ ने पायल जी ने सुना है कि वो सुंदर बोला हो किसी को, और जो उन्होंने बोला है कि अगर आपकी बहन को कोई बोलेगा भाई, मैं वो कॉम्प्लीमेंट लूंगी, क्योंकि बिग बॉस में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी है। अगर शायद उन्होंने बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा है कि ये बहुत छोटी सी टॉपिक थी, और बहुत सारे लोग इतने ना कि क्या क्या चीज बोल रहे हैं कि वो रणवीर जी जैसे जी इतनी बड़ी चीज थी, इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने, इंसान का दिल भी बड़ा होना चाहिए साथ में, बड़ी होनी चाहिए क्लियरली। बोल यही चीज को बुरी नहीं लगी, ये वर्ड्स थे उनके। अब ये चीज को हाईलाइट भी नहीं किया गया, इस चीज के बारे में किसी ने बात तक नहीं की कि रणवीर जी ने ये बोला है, दो बार बोला है, पता है, दो बार। एक मुहावरा भी दिया था, कुछ ये था कि वो मुंह में आया हक दिया, और वो वाली बात पे भी वो रोने लगा, उसको हम लोग मुझसे नहीं बात करते, वो रोई उस बात पे। हम उनके अगेंस्ट नहीं है, पर हम एक पॉइंट उठा रहे हैं, अगर बिग बॉस ये चीज पे पॉइंट उठा रहे हैं, तो वो चीज पे वीकेंड के वार पे क्यों नहीं पॉइंट उठाया गया। विशाल को इतना पोक किया गया, अरमान जी ने इतना, अरमान जी भी छोड़ो, अरमान ने इतना पोक किया कि वो बेचारा एक टेम्पर, फिर भी वो बंदे, वो बच्चा है उनके सामने, जैसे वो बोलते हो बदतमीज है ये, बड़े छोटे की बात कर रहे हो, उनके सामने बच्चा है अरमान जी। अगर पायल जी, आप फायल आप देख रही है ना, तो वो बच्चा है, बच्चा है, आप लोग को लिटरली आपके बच्चे हो चुके हैं, आप लोग सोच रहे हो आप लोग को कितना मैच्योर होना चाहिए, इतने बड़े हो आप, और ये आपा वाली चीजें कर रहे हो आप लोग। सबसे ज्यादा इमेच्योर वाली हरकत पूरे बिग बॉस में अरमान ही कर रहा है, अरमान मलिक की सबसे बचकानी हरकत कर रहा है, अंटियों की तरह चुगली कर रहा है यहाँ आ जाके। नहीं कोई बात नहीं, विशाल को टारगेट कर रहे हो करो, पर उसकी गलत चीज कैरेक्टर पे नहीं डालना चाहिए, कैरेक्टर पे मत आओ, जो उस बच्चे ने की नहीं है कोई चीज, कोई गलती नहीं की उसने, अगर गलती किया होता
उसका हम पहले फैमिली हम है ना, हम उसको जानते हैं, हम पहले स्टैंड लेते हैं, हम ऐसे ओपनली उसको सपोर्ट नहीं करते। और सबको लग रहा है ये फैमिली है सपोर्ट तो एनीवेज करेंगे, जी नहीं, हम वैसे है ही नहीं कि हम उसको ओपनली सपोर्ट करें उस चीज पे। क्योंकि आज तक विशाल को फर्स्ट वीकेंड के बाद से इतना टारगेट किया गया, पर मैंने आज तक एक स्टोरी नहीं डाली थी किसी के भी खिलाफ, आज तक मैंने कोई चीज भी नहीं की, सब ये सही बात है, सीधी बात है, किसी को वो नहीं किया, मेरी फैमिली से किसी ने किया है। क्लिप्स मिल रही है इंस्टा पे देखने के लिए, विशाल को झापड़ मारा गया है, वो बहुत गलत है, और उस चीज का एक्शन बहुत गलत है। ऐसा विशाल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनिल कपूर जी इन लोगों को कुछ पता नहीं है। किसी की भी कैरेक्टर जज करें, आज के एपिसोड में साई केतन की गर्लफ्रेंड आई थी और पायल आई थी, करेक्ट। अब वो दोनों ने, एक ने साई केतन की इमेज, छोटी सी बात थी, किसी ने गौर भी नहीं किया उस चीज पे, और उन लोगों ने साई केतन की इमेज करेक्ट करने के लिए उसकी भी, मतलब जो भी उसकी गर्लफ्रेंड वाकई बोलती है कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया था, और अनिल कपूर भी उसका साथ दे रहा था, और पूरा का पूरा थोप दिया चंद्रिका पे। और यहाँ विशाल ने हंसी मजाक में एक चीज बोली कि आप सुंदर दिखती हैं भाभी, जो अरमान पायल सब लोग बोल रहे हैं विशाल आपको मुंह पे बोलना चाहिए था, विशाल ने एक सेकंड पहले उनके मुंह पे भी बोला था। मेकअप के बिना ज्यादा अच्छे लगते हो आप। वो उनके मुंह पे जाके बहुत सेक्सी लग रही है भाभी, भाई कितनी हॉट लग रही है भाभी, ये सब अगर बोला होता तो गलत बोला तो अपन, इतना तो अपन भी जानते उसको कि ये सब उसकी हरकत ही नहीं है, ये उसकी हरकत ही नहीं है। सो रॉन्ग कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, और वो गिल्टी गिल्टी वाली, चलो गिल्टी वाली आपने बात पकड़ ली, पर उसने वो सेंटेंस सुंदर है भाभी, उसके बाद उसने बोला था भाई मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत इंटेंशन में नहीं बोल रहा हूँ, उसी वीडियो में उसने बोला था, हाँ, उसी चीज में कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, सुंदर लगते हैं। ऑडियंस पागल नहीं है, अगर उसके साथ अंदर अंदर गलत हो रहा है तो बाहर उसके साथ सही होगा। ये चीज उसने खाली गिल्टी नहीं बोला होता ना तो ये सेंटेंस एक नॉर्मल फ्रेम होता, वो लोग जबरदस्ती गिल्टी वर्ड पकड़ रहे हैं, जबरदस्ती। अब किसी की वाइफ को, चलो किसी की वाइफ को वो तारीफ कर रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं यार ये किसी की वाइफ को तारीफ कर रहा है, सेंटेंस भी तो गलत नहीं था, कुछ भी नहीं सुंदर है उसमें, उसमें उसको और बुरा लग रहा है भाई? पायल जी को ये बुरा लग रहा है कि सबसे पहले बुरा लग रहा है, लड़कियों में बहुत सेंस होता है गाइस, बहुत सेंस होता है कि अगर सामने वाले के जो भी लड़का आदमी जिसकी भी इंटेंशन, नजर गंदे हैं, अगर नजर गंदे है ना तो उसको तुरंत पता चल जाता है। और ये बिग बॉस का घर है, अगर ऐसा कुछ होता ना तो कोई ना, चलो कृतिका जी नहीं बोलती पर अपनी डिस्टेंस वो मेंटेन कर लेती, इतनी भी ना समझ नहीं है, हमें भी बहुत पसंद थी, हम लोग देखते थे, हमें भी बहुत अच्छी लगती थी कि नहीं कृतिका जेन्युइन है। अरमान इतना जो डिटेक्टिव बना हुआ था, हर चीज का उसको समझ रहा था, उसको ही समझ जाता कि विशाल की भाई नजरें गंदी है, इसको नहीं है, उसको ही समझ जाता ना, ऐसा कुछ था ही नहीं, उसको बस मौका चाहिए। और भाई इस चीज का यही तो बात करते थे कि विशाल लोग बच्चे हैं, बचकाने हैं, फिर गरम खून है, तो अभी क्यों अचानक से उसकी इतनी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं? बच्चे हैं और आप लोग को लग रहा है आप लोग इतने मेच्योर हो तो उन लोगों को मेच्योरली हैंडल क्यों नहीं कर रहे हो? पीछे हर चीज बात करते जा रहे हो, उसको पोक कर रहे हो और खाली उसको ही क्यों टारगेट कर रहे हो? एपिसोड से बाहर निकल के क्या ये सब ढूंढ रही थी ना वो जाके कि विशाल ने क्या बोला? अरे वो एपिसोड से बाहर निकल के क्या ढूंढ रही थी पता है कि मैं वापिस से कैसे फ्रेम में आऊं, मैं वापिस से कैसे वो फेम जाके लूं वहां से, सीधी बात है भाई। आज जैसे आज अनिल कपूर जी बोल रहे थे कि उसके कैरेक्टर की सवाल है, क्यों मेरे भाई के कैरेक्टर पे चीजें, सीधी बात है, क्यों नहीं आ सकती भाई लड़कों के कैरेक्टर पे? और बात बात देखे 9 मिलियन फॉलोवर वाले विशालियंस, ये क्या चक्कर है? बड़ी थप्पड़ मारने वाला जो सीन है गाइस, ये चीज ऐसे तो नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला। और ये हरकत जो अरमान ने की है वो अरमान को आज नहीं तो कल पता चलेगा उसका क्या करना है, उसको हम लोग अपने तरीके से दिखाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, कल किसी और को बताएंगे हम लोग। अभी तक इतना कुछ हुआ, अपन ने एक भी जगह एक भी चीज किसी का भी कुछ भी नेगेटिव किया है? बिल्कुल भी। चालू कौन किया? अरमान मलिक। अरे भाई वो आया ही खानदान नेगेटिव लेके, तीनों आदमी को भेज रहे हो, दो बीवी और आदमी साथ में आ रहे, पहले ग्रुप बन चुका है उन लोग का, पहले ग्रुप से आए वो लोग। अरे कहाँ नॉमिनेट होंगे वो लोग, एक दूसरे को नॉमिनेट होना करेंगे, उसमें तो उनका फायदा है भाई, बिग बॉस ही गेम खेल रहा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। वो नॉमिनेशन में भी ना जब अरमान को नॉमिनेट करने मतलब उसको भेजा था तो विशाल के साथ में कृतिका को भेजा था। विशाल अगर किसी को दिल से चाहता है या दिल से मानता है वो आर्ग्यू नहीं करेगा। हमने देखा है कि विशाल को झापड़ मारा है मलिक ने, और अचानक एक बात चल रही है और अचानक आप किसी पे आके हाथ उठा दो,
बहुत गलत है, बहुत गलत है। आज तक हमने किसी ने भी, ये हो रहा है बिग बॉस में, ये हो रहा है जैसे लोग करते हैं, जैसे पायल जी तुरंत आके बाहर उस पे ही खाली टॉपिक चलाने लगे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यार हम भी फैमिली, हम भी मीडिया चलाना जानते हैं, हम भी अपना यूट्यूब से कर सकते थे ना हर चीज, पर हमने ये चीज नहीं की क्योंकि एक शो है और शो को शो की तरह लेना रहता है। पर ये अब ये एक ना एक हद से पार चला गया है चीज, अब ये नहीं होगा। मतलब अब अगर हम चुप रहे ना तो मतलब हम तो अपने मैं अपने भाई के लिए मर गई हूँ और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, ऐसा है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या ये सब इज्जत की बात कर रहा है, उस पर खुद केस है, वो क्या करेगा ये सब चीज, उस पर खुद पे ये सब केस है, वो बंदा वो पहले से गंदा है, उसका हर चीज, उसका पहले से नाम खराब है। ये तो बिग बॉस में आके पता नहीं वो लोग इमेज सुधारने आए थे, इसके लिए शायद तीनों आए थे वो लोग। आज तक विशाल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बंदे को अगर मौका मिलता ना सेव करने का तो वो सेव ही करेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं, आपने देखा एलिमिनेट करने का मौका था उसने नहीं किया, सुन ला अगर मेरे पास ऑप्शन है सेव करने का तो मैं करूंगा, ये उसका नेचर है। तुम जबरदस्ती ये सब करके कोई मतलब नहीं है। थप्पड़ वाला सिनेरियो है, इस चीज के ऊपर कुछ करना पड़ेगा बिकॉज ये चीज सही नहीं है, ये हरकत ही सही नहीं है। यहाँ मीरा रोड में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ अगर कोई ऐसा हरकत कर देता ना हमारे सामने इधर, तो उसको मालूम पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। कहीं पे भी होता हम होते ना सामने और वो हरकत करता तो उसको मालूम पड़ता। ये जो बिग बॉस में उसने पटेली दिखाने या हरकत करने के लिए उसने किया है ना, उसको पता था विशाल का यहाँ कोई नहीं है। देखा जाए तो मेरे को लगता है कटारिया भी इतना नहीं है। साफ साफ बोलती हूँ कि कटारिया से अरमान की फटती है क्योंकि बाहर उसके सपोर्टर्स हैं और रहने भी चाहिए सपोर्टर्स। तुम जैसे इंसान अगर हो ना अंदर घर के तो बाहर सपोर्टर्स एल्विश की आर्मी होनी चाहिए। सीधी बात है, होनी चाहिए। कुछ भी गलत नहीं है भाई, अगर उसका है दोस्त वहाँ बाहर तो सपोर्ट करेंगे। ये भी दोस्त है, मैं भी बहन हूँ, हम लोग चुपचाप ऐसे देखते रहे, नहीं भैया आप मारो और अंदर बाहर से तो हम जानते हैं भैया ऐसा नहीं होता है। आप इसलिए आप कटारिया से, इसलिए अरमान खाली पीछे पीछे कटारिया के पीछे बोल सकता है, पीछे भौंक सकता है क्योंकि अब इज्जत तो जीरो रह गई अरमान के लिए। सिर्फ चुगलिया कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, क्या नाम दिया था उसको, चुगली मौसी, खाला जान बहुत सही दिया आपको, पता है मैंने किया है उसको कमेंट में। मतलब धीरे धीरे बिग बॉस इसे ओपन कर रहा है क्या कि चलो मारा पीटी, अब इसको बॉक्सिंग वो रिंग बना देते हैं कि अब इसमें हाथापाई हो और टीआरपी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बिग बॉस को जो बाहर नहीं आया अरमान तो चीजें बहुत बुरी होगी क्योंकि ये जो रूल ब्रेक हुआ इसके लिए वो बाहर आना चाहिए। बाहर का जो भी होगा वो हम हाँ। देखेंगे। हाथापाई का ही सीन है तो हाथापाई भी बताते ना, दिखाते ना हाथापाई कैसी होती है, हम लोग बताएंगे। ठीक है, 10 लोग उनके ही पीछे खड़े थे जो सच बोलते हैं। और सबसे मेन बात, उन्होंने किसी का बिगाड़ा नहीं होता, उनके पीठ पीछे आप देखो ना जाके तो उनके वो लोग भंडारा करवाते, लोगों को खाना खिलाते हैं। उन पे आपके फैंस और इनको हम लोग को ये सपोर्ट लेने के लिए नहीं बोल रहे, हम इन जनरल बोल रहे कि वो दो बच्चों को टारगेट किया और मेरे भाई को तो अब बहुत ज्यादा ही टारगेट कर दिया, हाथ उठा दिया। इसके इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है, हाथ उठा सकता है वो। एक हीटअप आर्ग्यूमेंट होता है, हीटअप आर्ग्यूमेंट को बुरा लग रहा था। जो आप अपने पति के लिए अब भी ले रहे हो ना, आपको बहुत साल पहले लेना चाहिए था। सो सॉरी, मेरा तो कोई हक नहीं बनता है बोलने का और ना बोलना चाहिए, पर आज तक हमने कभी कुछ बोला भी नहीं है। पर ये आपको पहले ही सोच समझ के लेना चाहिए। और अरमान जो मेरे भाई के कैरेक्टर पे आ रहा है कि भाई इसकी नीयत तो दिख गई, भाई आपकी भी नीयत बहुत साल पहले दिख गई, तो आप मत ही बोलिए कुछ, शांत बैठो। तेरे को मालूम है अंदर आके क्या हुआ, विशाल ने ना वो उसके साथ ये हुआ ना तो वो सदमे में था, वो के भाई ये सब क्या हुआ, तो वो उस हिसाब में शांत में था और उस पे इसने आके उस पर अटैक किया। पता है एक चीज बोलती हूँ, जब इंसान गलत किया रहता है ना एक हफ्ते में तो उसको पता है कि अरे मेरे को वीकेंड के यार पे ना इस पे पढ़ सकती है, ठीक है। अब वो बच्चे को आइडिया ही नहीं था कि ये टॉपिक भी उठ सकता है, आउट ऑफ नोवेयर उठाई। हाँ मतलब कुछ बिग बॉस में हो क्या रहा है यार, घर घर तो कह रहे हैं बरोबर, बिग बॉस में पायल को बुलाया, अनिल भाई ने भी तो ये चीज बोला, कुछ नहीं हुआ। अनिल भाई ने भी तो ये बोले तुमको क्या लगा ये सब करेंगे, नहीं हम बड़ा टॉपिक उठाएंगे, जबरदस्ती का टॉपिक उठाएंगे। अनिल भाई तो बार बार पकड़ रहे उसको, अभी उसको स्क्रिप्ट दी गई है अनिल भाई को, क्या है कुछ आइडिया नहीं है। बट हरकत तो डे वन से, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि विशाल को टारगेट किया जा रहा है और ये दिख के आ रहे, ऑडियंस को भी दिख रहा है, बस बिग बॉस को टीआरपी चाहिए और वो टीआरपी को मिल रही है। बोलूंगी आप लोग का हमें फुल सपोर्ट चाहिए, जो भी हो जैसे भी हो हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया, ठीक है। पर अब ये हमारा टाइम, अब ये चीज है कि हमको उसको दिखाने की जो तूने किया वो गलत था और आगे ये बिग बॉस में हो नहीं सकता। क्या भाई, पहली बात ऐसे गिरे हुए आदमी से थप्पड़ खाना, ऐसे जिस पे ऑलरेडी दो बीवी, एक को धोखा देके, एक पे ऐसा आदमी आके थप्पड़ मार रहा है ये आदमी। अरे ठीक है तो कंटेंट मार, भाई कंटेंट है ना ऐसा जरूरी नहीं है, ये जो कैमरा ये जो हाथ में दिया हुआ है ना ये एक पावर है कि तुम यूज करके क्या दिखा रहे हो, कैसे करके तुम फेमस। अब ये जो हरकत हुई है, मेरे को एक ही सिंपल चीज है कि अभी तक एक भी बार रणवीर को कुछ किसी ने नहीं बोला है, जबकि उसने इतना बोला था।
बड़ी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये सब बात की थी उस। तब तो उसने कुछ नहीं बोला, उसके मुंह पे उसने उसकी बीवी को बोला था भाई, रो रही थी उसकी बीवी। दूसरे वाले उसमें वो उसकी बीवी के मुंह पे बोला तो वो बीवी भी रो रही है और वो आके उसको बोल रहा है कि जस्टिफिकेशन दे रहा है कि नहीं उसने कुछ गलत थोड़ी बोला। हाँ अरे भाई ये तो बेशरम बोल रहा है, बेशरम खुद बोल रहा है कि भाई कुछ गलत नहीं बोला, उसकी बीवी रो रही है पिछवाड़े के बारे में बात की, उसने तो उसे बोला सुंदर है, लाइक भी करता होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैं भाई लाइक भी करता हूँ, तो क्या गलत है? आपकी बीवी को लाइन मार रहा है वो, आपकी बीवी को छेड़ा थे ना, छेड़ा कुछ किया, उसके बाद ही तो कृतिका भाभी आई थी। नहीं किया, पायल जी ने बहुत गंदी तरह से आके वो प्रेजेंट किया है कि विशाल आपने क्या बोला, मैं बोलूं या भाई, इसने किसी की इज्जत नीचे नहीं गिराई है, अच्छी तारीफ की है, इनको ना तारीफ लेने की आदत नहीं है, क्रिटिसाइज होने की आदत है ना हरदम, उससे फेम कैसे मिल जाए? बुरी बात स्ट्रेट लगती है, अच्छी बात इनको सरकाज्म लगती है, अच्छी बात बोलती तो उनको सरकाज्म लगता है, इसके लिए जबरदस्ती फालतू। अरे भाई ये जो फॉलोवर्स इनका ये जो है, अभी ये जो विशाल के बारे में बात करते हैं, अरे बट उसने किसी का किसी की कॉन्ट्रोवर्सी या बीवी या ये सब दिखा के नहीं आया, वो अपना डांस करके या जिस भी हिसाब से जैसे भी करके वो अपनी एक्टिंग करके आगे आया, जैसे भी उसको आना है, किसी का यूज करके या गलत वे में नहीं आया आगे। और हमने बाकायदा अरमान मलिक से इन पब्लिक माफी चाहिए विशाल के लिए, ये तो हमको चाहिए, हम ज्यादा वरना नहीं मांग रहे क्योंकि ये चीज नेशनल टीवी पे हुई है तो हमें भी ये चीज नेशनल टीवी पे चाहिए माफी, या फिर हम लोग फिर लीगल एक्शन तो होना ही होना है, बाकी जो भी है फिर हम देख लेंगे जैसा भी करना है। यार डिप्रेशन में चला जाएगा या अपने आप को कुछ कर लेगा, कौन यहाँ पे तो लाफा हो गया भैया, यहाँ पे तो घर में अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई मार के चला गया, मार के चला गया, अब तो भरोसा नहीं है। विशाल को देखने जो विशाल की ऑडियंस, विशाल को देखने आती है, अरमान भाई की शायद भाभियों को देखने आती हो, बट ये चीज देखा जाएगा आगे, जो भी है जैसे भी हो, अपॉलोजी तो चाहिए, हमको वीडियो चाहिए इस बारे में। और अगर पायल ने आके झूठ बोला, सुंदर की बात झूठ बोला, ये बहुत गंद, बहुत आकर झूठ मुंह पे बोला उसने। और मेरा भाई वहाँ पे वो हो गया था, एक होता है ना कि आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहो, प्रिपेयर वो होते हैं ना जो नाटक करते हैं, पहले से प्रिपेयर वो होते हैं, यार मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा गेम प्लान करूं, वो प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि विशाल के फेस पे एकदम साफ साफ दिख रहा था कि बेचारा वो एकदम शॉक में था, अच्छा ये टॉपिक भी उठ सकता है बिग बॉस में। साई के साइड से भी उनकी फैमिली से आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट किया चीज। अच्छा उनको बुलाने की क्या जरूरत थी, उसकी गर्लफ्रेंड क्यों आई, उसको क्यों बुलाया, उसका कैरेक्टर बचाने के लिए बुलाया ना, और पायल को क्यों बोला, उसका कैरेक्टर बिगाड़ने के लिए, विशाल का कैरेक्टर बिगाड़ने के लिए, तो यही दो रीजन होगा ना, यही दो रीजन है क्यों बोला उसको। सेम प्लेटफॉर्म पे दो चीजें हो रही है, दो दो औरतें आई, एक कैरेक्टर बचाने अपने घर का और एक उछालने के बाद। अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ साई के वो वाली बात की और कुछ नहीं की, तो उसको बुलाया क्यों गया, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये टारगेट ही है पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जिस। और इज्जत भाई ठीक है एक्टर है, अभी तुम खुद बोलते हो बिग बॉस में घर के अंदर जाके सब लोग सेम है, तो फिर रणवीर जी को अलग से क्यों इतना वो दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट इतना क्यों दिया जा रहा है कि उनकी हर मिस्टेक छोड़ रहे हैं, और विशाल की इतनी इतनी बात को पकड़ के सब लोग छेड़ रहे हैं, बहुत गंदी गंदी बातें की है, इतनी गंदी बातें की उन्होंने, लेट गो किया फिर। तो गाइस हम लोग वापस ये एपिसोड लगाकर देख रहे थे, रह नहीं गया या फिर कुछ गलत ना बोल दिया हो, लेकिन हम लोग ने फिर से पूरा एपिसोड देखा और हम लोग को विशाल कहीं गलत नहीं लगा। और ये वीडियो हम जब डालेंगे इसमें हम वो दोनों क्लिप डालेंगे जो पायल ने बोला है और जो विशाल ने बोला है, एक अच्छे वे में बोल रहा हूँ, वो किसी को नहीं दिखाई दिया, मैं उसकी बहन हूँ पर ये फ्रेंड्स है उसकी, बहुत टाइम से और भी फ्रेंड्स है, पर ये टाइम ये 4 बज रहे और हम अब तक सो नहीं पाए, ये सोचते हुए कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है ये शो में, हमने देखा है ना उसको लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करता है, वो हम लोग को ए टू जेड पता है, सीधी बात है, लड़कियों को कभी वो नहीं करेगा। अगर कृतिका को भी ये फील हो जाता अगर विशाल पहले से उसको इस नजर से देखता तो, पर एक लड़की को भी फील नहीं होता, सब लड़कियां ऐसी फील करवाया गया चलता है, कृतिका ऑलमोस्ट उन लोगों के साथ ही उठती बैठती थी, अगर उसको फील होता तो क्यों बैठती हो, कृतिका को यकीन नहीं हो रहा था विशाल ऐसा बोला तुमने, क्योंकि एक्सप्रेशन भी वही थे जब उसको बताया गया तो, कि कृतिका अच्छी लगती है और ये कहीं गलत नहीं, अब हम बोले उनको आप बदसूरत लगती हो अब तो उनको कॉम्प्लीमेंट लगेगा, ये पति पत्नी को अंदर भेजा है हर चीज में, वो पत्नी के झगड़े में पति घुस रहा है, तुम इंडिविजुअल खेलो भाई, अपना अपना खेलो जैसा है वैसा करो, उसको लग रहा है वो बोलेगी अपने हिसाब से जवाब देगी भाई, उतनी कैपेबल है, देखो ये अब ऐसा तो नहीं है, हम खुद चाहते कि हम उस पर हाथ उठाए, हम खुद चाहते कि भाई अरमान को दो लाफे तो मैं मारूं, अरमान को अगर लगता है ना कि उसने हाथ उठा के वो भी ऐसे करके जो ढीला हाथ उठा है वो उसका इंटेंशन था उसको देने का, क्योंकि विशाल और उसका बहुत टाइम से हो रहा था, बीवी की वो नहीं करनी थी उसको, खुन्नस निकालनी थी और अपनी पटेली दिखानी थी कि मेरे को ऐसा करना है, इसीलिए उसने यही दिखाया कि अरे मेरे पास ये है मेरे पास वो है, सरपंच ना और वो हमको हमने आपके कंटेंट भी देखे, हाँ हमको पता है वो क्या कंटेंट है, बट वो कोई जरूरी क्यों भाई, हम भी कंटेंट बनाते हैं, हमको पता है क्योंकि पता है क्या है कैसा है, सामने वाला गिरता है ना तो जरूरी नहीं कि अपन भी गिरे, सीधी बात है भाई।
इस चीज का ये वीडियो बना के भाई भेजो, ये गलत है। और मैं चाहता हूँ कि इसको बिग बॉस से बाहर निकाला जाए और तू बाहर जा, जाकर वो एपिसोड वापस देख के उसने क्या बोला था। उसके लिए ऐसे लोग अपने आप वेल्डिंग करते भाई, ऐसे लोग हम लोग क्या बोलू। मैं समझ रहा हूँ तू किसकी बात कर रहा है। एक सिंपल चीज है कि ना भाई, मैं बिग बॉस को कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी ऐसा प्रिटेंड हो रहा है ना बाहर के बिग बॉस में लोगों को बेइज्जती करने बुलाया जाता है अब, और उनको नीचे गिराना। अरे भाई, वो बिग बॉस में आया तो वो कुछ करके पहुंचा है वहां पर, तुम उसको पूरा कचरा क्यों बना रहे हो भाई? कितना ऐसा तो नहीं है, वक्त दिया है, 5 साल से कर रहे हो ये सारी चीजें। और अपने घर का वो इकलौता लड़का है भाई, इस घर का वो इकलौता लड़का है, घर संभालना ये करना बहुत कुछ होता है, लड़कों पे जिम्मेदारी। ऐसा नहीं होता ना तो समझता तुमको। इन्फ्लुएंसर्स है, इनके ऑडियंस उनके, और भैया जो ऑडियंस हमें बना रही है ना, उन्होंने आपको भी बनाई है। मुझे एक और पॉइंट लगता है, ये टेलीकास्ट हुए 2 दिन पहले हो चुका था विशाल का, ये जो उसने भाभी वाला जो बोला था, अगर ये चीज गलत होती तो मुझे लगता है इंटरनेट की पावर बहुत मतलब है उस समय, मतलब ट्रोल होना विशाल चालू है। विशाल क्या बात कर रहा है, ये किसी के इसमें आया ही नहीं कि वो गलत बोला है, टेलीकास्ट जबरदस्ती दिखाया गया सर। हम लोग उसको इतने सालों से जानते हैं, हम लोग लड़कों में बात होती है कुछ भी, अगर गंदी से गंदी बात आपको अगर देखनी है तो बॉयज चैट में चले जाओ, बॉयज ग्रुप में चले जाओ, तो हमको पता है कि उसकी लिमिट्स क्या है, वो किस हद तक मजाक कर सकता है। ठीक है, तो बस अब ये जो भी चीज है मैं इस चीज को खत्म करूंगा। अब मैं कल देखना चाहता हूँ कि कल के एपिसोड में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, और वो अरमान भाई को निकाल रहे हैं बाहर के, नहीं निकाल रहे मेरे को वो दिख रहा है। घंटे का भाई, अरे यार घंटे का भाई, वो तो ठीक है, वो जाने दो। बाहर नहीं निकला तो वो अलग सीन होगा, और बाहर निकला तो भी शायद अलग ही सीन होगा, देखते हैं गाइस। प्लीज सपोर्ट विशाल, प्लीज सपोर्ट विशाल। हम लोग तो यही चाह रहे कि अच्छे से एक्शन लिया जाए, अगर जहां हम लोग को जरा सा भी दिखा कि गलत हो रहा है तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए जस्टिस, क्योंकि कोई भी किसी पे आके से हाथ वाथ नहीं उठा सकता है, कोई किसी को लाफा वाफा नहीं मार सकता है भाई। हाथ पैर चलाना तो हमारे भी हाथ पैर दिया ऊपर वाले ने, और चलते भी हमारे हाथ पैर चलते भी बहुत अच्छे से चलते हैं। आप अगर बहुत टाइम से हमें फॉलो कर रहे हो या जानते हो तो आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, सिर्फ हंसी मजाक वाली, हम लोग खुश रहना समझते हैं और आता है हमको, बट आज जो हरकत हुई है वो चीज ने इतना दिमाग खराब किया ना कि कोई इंसान ही नहीं अच्छा लग रहा है। खैर जाने दो, अब ये चीज है, प्लीज विशाल को सपोर्ट करो और उसके साथ रहो। इस बार तो ट्रॉफी उसको ही मिलनी चाहिए, मीरा रोड आनी चाहिए, मीरा रोड ही आनी चाहिए विशाल, और वो वीडियो भी आना चाहिए भाई। ट्रॉफी अब मिले ना मिले, वीडियो जरूर चाहिए, वीडियो तो चाहिए, वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो तेरी बाली पकड़ के ना खींच दूंगा।